एक बार की बात है, देर रात एक गांव में एक शराबी व्यक्ति अपने घर जाने के लिए किसी सवारी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां अचानक घंटी बजाते हुए एक रिक्शा वाली आ जाती है। वो बहुत ही सुंदर होती है। अरे वाह, इतनी सुंदर रिक्शा वाली, आज तो मैं इसी के रिक्शा में घर जाऊंगा। रिक्शे वाली चमनपुरा चलेगी क्या? जरूर, बैठिए। सुंदर रिक्शा वाली को देख शराबी की नीयत खराब हो जाती है। वो सोचता है, गांव जाते हुए जब बीच में जंगल आता है, मैं वहां इसका फायदा उठा लूंगा। थोड़ी देर बाद जब वो भी जंगल में पहुंच जाते हैं, रानी कहाँ इस भरी जवानी में रिक्शा चला रही है? आजा, मैं तुझे अपनी रानी बना लूं। जरा रोक तो अपना रिक्शा। जब ही रिक्शा वाली पीछे देखती है, शराबी की सारी शराब उतर जाती है। वो रिक्शा वाली चुड़ैल बन गई होती है। वो बहुत भयानक रूप ले लेती है और रिक्शा रोक लेती है। मुझे अपनी रानी बनाएगा तू? मैं तुझे 72 हूरों के पास ही भेज देती हूँ। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरी छोटी छोटी दो बेटियां हैं, वो अनाथ हो जाएंगी। छोटी बेटियां होते हुए दूसरी लड़कियों को बुरी नजर से देखता है? मैं तुझे अभी बताती हूँ। फिर वो चुड़ैल शराबी को मार देती है और उसे लहू लुहान करके पेड़ से टांग देती है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि उस व्यक्ति की हत्या क्यों और किसने की। फिर कुछ दिनों बाद गांव की उसी चौक पर एक शराबी बुड्ढा झूमता हुआ खड़ा होता है। वो भी घर पहुंचने के लिए कोई साधन ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक घंटी बजाते हुए वही रिक्शा वाली वहां से आ जाती है। अरे वाह, इतनी खूबसूरत रिक्शा वाली। आज तो मैं इसी के रिक्शा में घर जाऊंगा, चाहे ये 100 रुपए फालतू ले ले। ए रिक्शे वाली, जंगल पार के गांव चलेगी क्या? जी बाबा जी, जरूर चलूंगी। आइए बैठिए। अरे पगली, बाबा किसे बोल रही है? अभी तो मैं जवान हूँ, जरा ध्यान से तो देख। उस बुड्ढे की नज़र भी रिक्शा वाली को देखकर खराब हो जाती है। वो भी सोचता है, जैसे ही ये रिक्शा वाली बीच जंगल में पहुँचेगी, मैं इसका फायदा उठा लूँगा। फिर जैसे ही वो जंगल के बीच पहुँचते हैं, शराबी बुड्ढा उसको तंग करने के इरादे से अपने हाथ से उसका कंधा पकड़ लेता है। ये देख कर चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भयानक रूप में आ जाती है। गुस्से में वो चुड़ैल शराबी बुड्ढे का एक हाथ खा जाती है। बुड्ढा दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर बिलबिला रहा होता है। हे भगवान, ये क्या बला है? कौन है तू? तूने मेरा हाथ क्यों खा लिया? मैं तो तुझे प्यार ही कर रहा था। बुड्ढे, आशीर्वाद देने की उम्र में तुझे प्यार सूझ रहा है? तुझे शर्म आनी चाहिए। अभी तो मैंने बस तेरा हाथ खाया है, अभी मैं तेरी जान भी लूंगी, जैसे मैंने पहले उस शराबी के लिए थी। नहीं नहीं चुड़ैल बेटी, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। पर चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उस बुड्ढे की लहू लुहान शरीर को पेड़ से टांग देती है। अगली सुबह जैसे ही ये बात गांव में फैलती है, लोग अचंभे से हैरान परेशान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। सभी को लगता है ये जंगल ही श्रापित है और सब उस जंगल से रात को आना जाना बंद कर देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया का लड़का राजू, जो बहुत ही शरीफ और बुद्धिमान था, उसी चौक पर देर रात घर जाने के लिए किसी सवारी का इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक रिक्शा वाली चुड़ैल अपना रिक्शा लेकर वहां से गुजरती है। सुनिए, क्या आप उस तरफ जा रही हैं? क्या आप मुझे गांव में छोड़ देंगी? जी हाँ, जरूर, बैठिए।
फिर वो रिक्शा वाली राजू को लेकर वहाँ से चल देती है। राजू को रिक्शा वाली को देखकर बहुत दया आती है और वो उससे पूछता है, सुनो बहन, क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है जो तुम्हें इतनी रात को रिक्शा चलाना पड़ रहा है? अगर कोई ज्यादा मजबूरी है तो मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारी मदद कर सका तो जरूर करूँगा। ये सुनकर रिक्शा वाली चुड़ैल दंग रह जाती है। उसे समझ आता है कि सभी मर्द एक जैसे नहीं होते। जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं, रातों रात 12 बजने के कारण रिक्शा वाली चुड़ैल में बदल जाती है। क्या तुम बोलती नहीं बहन, मुझे बताओ। पर जैसे ही बोलने के लिए चुड़ैल मुंह पीछे घुमाती है, राजू दंग रह जाता है। वो कांपने लगता है। डरो नहीं भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मुझे आज पहली बार किसी ने बहन कहा है, नहीं तो इस गांव के सभी मर्द छिछोरे ही हैं। पर चुड़ैल बहन, तुम चुड़ैल कैसे बनी? क्या गांव में जो हत्याएं हो रही हैं, वो तुम ही कर रही हो? हाँ, सभी हत्याएं मैंने ही की हैं। वो सभी मर्द गंदी नजर के थे, वो समाज पर कलंक थे, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। चुड़ैल बहन, सभी मर्द एक जैसे नहीं होते, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? फिर चुड़ैल अपनी आप बीती बताती है। पहले ये रिक्शा मेरे पति चलाते थे। एक दिन घर के बाहर वो अपना रिक्शा लगा रहे थे, तभी कुछ शराबी आए और उनसे उन्हें छोड़ने की जिद करने लगे। मेरे पति के मना करने पर उन्होंने उससे मारपीट चालू कर दी। जैसे ही मैं बाहर आई, उन शराबियों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने मेरे पति को छान से मार दिया और मुझे उठाकर जंगल में ले गए और मेरे साथ बदतमीजी की। फिर मुझे भी मार दिया। मेरी लाश का अंतिम संस्कार न होने के कारण मैं चुड़ैल बन गई। तब से मैंने सोच लिया कि मैं हर शराबी और वैश्य दरिंदे को मार दूंगी ताकि मुझे चैन आएगा। पर चुड़ैल बहन, ऐसे तो तुम्हारा बदला कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए जिन्होंने तुम्हें हानि पहुंचाई। तुम्हें अपने पति और अपने कातिल से बदला लेना चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे भाई? हाँ बिल्कुल। फिर वो राजू को अपने कातिलों का हुलिया बताती है। वो समझ जाता है ये तो गाँव के आवारा लड़के है। वो चुड़ैल से कहता है, मैं समझ गया तुम्हारे कातिल कौन है। अब मुझे कोई तरकीब लगाकर उन्हें यहाँ पर लाना होगा ताकि तुम अपना बदला ले सको और तुम्हें शांति प्राप्त हो। मैं उन्हें कल लाऊंगा। राजू उन आवारा लड़कों के पास जाता है और उनसे कहता है, भाइयों, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं बोर हो गया हूँ अपनी बोरिंग लाइफ से। मैं भी तुम्हारी तरह मस्ती करना चाहता हूँ। अबे ढीले, तू हमारी दोस्ती करेगा? तुझे पता भी है हमारे शौक। हाँ भाई, और अपनी दोस्ती साबित करने के लिए आज रात तुम तीनों को मेरी तरफ से शराब की पार्टी। कहो मंजूर? शराब के लालच में वो तीनों उससे दोस्ती करने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर रात होने पर वो चारों शराब के ठेके पर जाते हैं और राजू उन तीनों को खूब शराब पिलाता है और खुद भी शराब पीने की एक्टिंग करता है। फिर वो चारों चौक पर घर जाने के लिए सवारी का इंतजार करते हैं। तभी वो रिक्शा वाली वहाँ से आ जाती है। अरे वाह, क्या सुंदर रिक्शा वाली है। ए राजू, चल तुझे मजा कराता हूँ। फिर वो तीनों रिक्शा वाली का फायदा उठाने का प्लान बनाते हैं और उसे जंगल पार के गांव की ओर जाने के लिए कहते हैं और उसके रिक्शे पर बैठ जाते हैं। फिर बीच जंगल पर पहुंचने पर उनमें से एक शराबी लड़का रिक्शा वाले की चुनरी खींचने लगता है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। उन तीनों की शराब वहीं की वहीं उतर जाती है। वो तीनों को उल्टा लटका देती है। हमें छोड़ दो, हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। क्या तुम भूल गए, मैं वही हूँ जिससे तुमने बदतमीजी की थी और यही इस जंगल में मार दिया था। आज मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। शुक्रिया राजू भाई मेरी मदद करने के लिए। तूने हमें धोखा दिया। तू हमें धोखे से यहाँ लाया था कि ये चुड़ैल हमें मार सके। तू तो दोस्त कहने के लायक नहीं है। अच्छू, बुरे कर्मों का बुरा ही नतीजा होता है। तुमने जो किया है वह भुगतना ही होगा। फिर वो चुड़ैल उन तीनों की गर्दन काट देती है और राजू का शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वो स्वर्ग चली जाती है।